हेलो गाइस, कैसे हो। आज का इस वाले वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि जॉयस्टिक का साइज, प्लेसमेंट और सेंसिटिव मैटर करता है और नहीं, और अगर करता है तो फिर इसे कैसे सेट करें। इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझा दूंगा, जैसे कि तुम्हें कोई और वीडियो देखना ना पड़े। तो फिर और ज्यादा वक्त चौधरी ना फैलते हुए चलिए शुरू करते हैं। फास्ट देखते हैं क्या जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है। तो चलो, अगर तुम जॉयस्टिक को ज्यादा बड़ा करते हो तो तुम्हारा मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। जो कि अच्छा है, कोई बुरा मूवमेंट नहीं है। और अगर तुम जॉयस्टिक को पूरा छोटा करते हैं तो तुम्हारा मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसमें भी हम कोई फर्क नहीं दिखे। तो इसमें हम जान गए कि जॉयस्टिक छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जॉयस्टिक साइज को अपने मुताबिक रखना चाहिए। अगर मैं मेरा जॉयस्टिक साइज के ऊपर बात करूं तो ये रहा। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है जॉयस्टिक प्लेसमेंट। अगर हम जॉयस्टिक को पूरा लेफ्ट में कर दें तो हमारा मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। तुम थंब को जितना भी लेफ्ट के आर पे कर लो, लेकिन वो राइट पे ही जा रहा है। और अगर हम जॉयस्टिक को पूरा राइट में कर दिए तो मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। इस वाले सिचुएशन पे तुम थंब को जितना भी राइट पे ले लो, लेकिन वो लेफ्ट पे ही मूवमेंट कर रहा है। इसीलिए जॉयस्टिक का एक प्रॉपर पोजीशन होना मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जॉयस्टिक का प्रॉपर पोजीशन के लिए मैं एक बेस्ट वे बताता हूँ। आ जाओ हैंड कैम के ऊपर। तुमको अपना मोबाइल फोन को अच्छे तरीके से होल्ड कर लेना है। इसके बाद आंख बंद करके आपका थंब जहां पे भी टच हो रहा है, तुमको वहां पे जॉयस्टिक को रख लेना है। अगर तुमको कुछ इस प्रकार से स्प्रिंट बटन को रखना है तो कमेंट करो, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक और न्यू वीडियो ले आऊंगा। और लाइक भी कर लो यार, क्या पैसा जाता है क्या इसमें। इतना सब कर चुके हो तो अपना भाई के लिए एक सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही खतरनाक से वीडियो लाता रहते हैं। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। अगर हम स्प्रिंट सेंसी को 0% कर ले तो हमारा मूवमेंट पूरा धीमे हो जाएगा, जो कि मूवमेंट के हिसाब से पूरा बकवास है, गलत है। और अगर हम स्प्रिंट सेंसिटिव को पूरा 100% कर दिए तो थोड़ा सा भी जॉयस्टिक को आगे लेने पे बंदा पूरा तेजी से भागने लगता है। सो यहाँ पे परफेक्ट स्प्रिंट सेंसिटिव भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर स्प्रिंट सेंसिटिव के बात करें तो स्प्रिंट सेंसिटिव को अप टू 75% टू 80% रखना परफेक्ट है, जो कि पूरा मक्खन के जैसे मूवमेंट करने पे तुमको हेल्प करेगा। तो इतना था यार आज का वीडियो के लिए, मतलब कि पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कुछ ड्रिल्स के बारे में, जिसे कि करने के बाद तुम्हारा हाथ में बैठ जाएगा। क्या? अरे जॉयस्टिक। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नॉटी हो रहे हो, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।